हाय गाइस, आज हम आपको सिखा रहे हैं नमकीन बनाना। और ये आप बनाओगे बहुत टेस्टी लगेगा और नाश्ता के साथ, चाय के साथ खा सकते हो आप। तो सबसे हम अंदर जो यूज किया हुआ है, ये पहुआ है, ये भी मकाई का पहुआ है, ये कारी पत्ता है, ये सौफ है, ये चीनी है, ये नमक, हल्दी, मिर्चा और ये चिनिया बादामी। अब हम बनाने जा रहे हैं। हमने तेल स्टार्ट कर दिया है, ऊपर में चढ़ा दिया है। अब इसमें हम पौवा तरेंगे। पहले सबसे पहले तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम पौवा डाल रहे हैं। ये पौवा फ्राई हो चुका है। ऐसे हम पौवा को फ्राई करेंगे। ऐसे भी डाल दे सकते हैं, फिर इसे उठा लेंगे। अब इसमें हल्दी देना है, ये मिर्चा देना है और ये नमक देना है और इसमें ये चीनी देना है थोड़ी हल्की सी। अब इसको ऐसे पूरा मिक्स कर लेना है। अब हम यही पवा फ्राई करेंगे। वो कंप्लीट हो चुका। ऐसे ही फ्राई कर लेना है। आवाज आ रही है ना? ऐसे एकदम अब मैं ये कंप्लीट करके फिर आगे का आपको प्रोसेस दिखाती हूँ। पोहा हमने फ्राई कर लिया है, अब हम ये सिंग फ्राई करेंगे। अनुसार नमक देंगे, एक चम्मच चीनी देंगे डेढ़ चम्मच, ये हल्दी देंगे दो चम्मच, ऑलमोस्ट सिंग फ्राई हो चुका है हम लोग का। अब इसको भी इसके साथ ही मिला लेंगे। अब इसमें लाल मिर्च देंगे, इसको कंप्लीट मिला देंगे ये सब मिर्च मसाला। अब इसको हम अब इसके साथ हम इसको भी मिला देंगे। थोड़ा मिर्चा पड़ेगा और हल्दी। और ये चीनी। उसमें हम
वघार डालेंगे। ये बन चुका है। जो हमने नमकीन बनाया है उसमें आज हम वघार डालेंगे करी पत्ता का। वो इसमें सौंफ डालेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है नमकीन का, और खाने में भी एकदम टेस्टी लगता है। और इसके साथ हम मिला देंगे इसको। ऐसे मिला देंगे इसको। खाने में भी इतना मजेदार लगता है और बनाने का भी एक और मजा है। आप एक बार जरूर बना के खाइएगा ऐसे ही नमकीन। घर में बनाओगे और बहुत टेस्टी और मजेदार लगेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब देखो ये मस्त लग रहा है ना, ये नाश्ता के लिए अब तैयार हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। ऐसे आप जरूर बनाइएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमको साथ देंगे तो हम आगे बहुत अच्छा अच्छा चीज जरूर बना के आपको दिखाएंगे। ओके गाइज, बाय बाय।